हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो देखो, मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी मेरी शादी हुई है, जस्ट मैं फ्री हुआ हूँ थोड़ी देर के लिए। घर पे इतना बिजी शेड्यूल है, फिर भी आपके लिए आ गया हूँ। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले मैंने दो सीरीज़ ऑलरेडी करवा दी हैं। मैं हमेशा बच्चों बोलते आया हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम में MCQs अच्छे से करने हैं तो आपको चैप्टर्स अच्छे से आने चाहिए हो। एटलीस्ट आपने NCERT ढंग से पूरी पूरी कर रखी हो। पूरी पूरी मतलब पूरी पूरी आपने एग्जाम्पल्स किए हों, सारे क्वेश्चन किए हुए हों, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज की हुई हो, ठीक है। अगर आपकी NCERT अच्छे से क्लियर है ना, तो आपके MCQs भी आराम से बन हो जाते हैं, ठीक है। बात हो रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि टर्म वन में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो बच्चों, आपको पता है मैंने 100 प्लस की MCQ सीरीज चलाई थी, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स कवर किए थे। जो टर्म वन का सिलेबस है आपका, टर्म वन के सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं आपके बच्चों, वो मैं सारा करा चुका हूँ। बट मैं आपसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अप्रोच आपको रखनी चाहिए, ठीक है, वो अप्रोच क्या रखनी चाहिए कि आप जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, पहले आप NCERT को एक बार क्विकली रिवाइज करें, ठीक है, फटाफट से रिवाइज करें। और उसके बाद RD शर्मा, RS अग्रवाल और NCERT एग्जाम्पलर के जो MCQs हैं उनको पहले टारगेट करें, उनको पहले करें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और RD शर्मा, RS अग्रवाल और NCERT एग्जाम्पलर को इंक्लूड करके और प्रीवियस क्वेश्चन को इंक्लूड करके मैंने 100 प्लस चैप्टर वाइज, ठीक है, मतलब रियल नंबर से तो 100 प्लस MCQs, ठीक है, उन्हीं में से ही आपके टर्म वन के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बना रखा है, जैसे पॉलीनोमियल का बना रखा है, तो वो सब चीज़ें मैंने करा रखी हैं। ओके बच्चों, तो जिसकी मैं लिंक डाल दूंगा चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन पे। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। मैं कोई अलग से आपको नहीं बताऊंगा अभी जाकर, क्योंकि मैं बोलूँगा 50 क्वेश्चन कर लो, 70 कर लो, यहीं से आएगा, तो ये बेवकूफ़ी है बच्चों। ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी वीडियोस बनाते हैं ना, 50 कर लो 70, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ बच्चों, उसको आप देखो, अगर आपको बेनिफिट ना मिले ना, तो फिर आप बोलना, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे और आपको मज़ा आएगा कि हाँ, हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उनको ज़रूर करें, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, जो भी आपके पास सैम्पल पेपर आपने जिस भी कंपनी का, जिस भी पब्लिशर्स का खरीद रखा है XYZ, उसे आप प्रैक्टिस के तौर पर करें। क्योंकि आज आप एक साइंस का पेपर दे के आ रहे हो, तो आपका परसों फिर से आपका होना है, ठीक है बच्चों। मैं आपके लिए वीडियोस बना था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। क्योंकि ये भी जो वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ताकि आप लोग लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाला है उनको ज़रूर चेक करो, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर करना। और देखो बच्चों, कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस करनी है। आप एग्ज़ाम में जब बैठोगे ना, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना अच्छे से, ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। क्योंकि MCQs हमारा पैटर्न है, तो जो 4 MCQs दिए होंगे ना, उसमें आपके जो गलत हो सकते हैं, जो माइनर मिस्टेक्स हम बच्चे करते हैं, वो मिस्टेक्स के जो आंसर आते हैं वो भी डाल दिए जाते हैं वहाँ पर। एग्जामिनर क्या सोचता है कि बच्चा जो मिस्टेक कर सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी MCQs में ऑप्शन डाले जाते हैं, ताकि बच्चे गलती करें। वो एग्जामिनर चाहता है कि हम गलती करें, हमारे नंबर कम आए, वो एग्जामिनर खुद चाहता है, ठीक है। स्पेशली जो भी एग्ज़ाम होते हैं इस टाइप के, सो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपको मेरे हाथों मेहंदी भी दिख रही होगी ना, सो ये चीज़ें बच्चों, प्लीज़, आई होप आप समझ पा रहे हो। लिंक मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन में बच्चों, हर एक क्वेश्चन को मैंने डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको हर चैप्टर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उसको ज़रूर देखें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, ठीक है। आई होप आप मेरी सिचुएशन को समझ पा रहे होंगे, ओके। सो ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्वेश्चन जैसे एग्ज़ाम में आए, आपको एक बार ढंग से पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, उसके बाद प्रॉपर सॉल्व करना है, तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही करने हैं, और बाद बाकी आपको नहीं करना है, ठीक है। जो नहीं आते उसको छोड़ते रहो। हाँ, जब कैलकुलेशन आप कर लो मैथमेटिक्स में स्पेशली, तो एक बार आप उसको रीचेक ज़रूर करो। कभी कभार हम क्या होता है, हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि सही है, और बाद में हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हमसे छूट गई होती हैं, बट हम उसको रीचेक नहीं करते हैं। हमें लगता है ये सही है, तो बट क्या आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम कुछ चीज़ों में मिस्टेक कर देते हैं। तो इस चीज़ों को भी ध्यान रखना, मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को जब भी आप पूरा कर लो, तो एक बार रीचेक ज़रूर किया करो, उसी टाइम पे, ठीक है। ये नहीं कि बाद में रीचेक करेंगे, ऐसा नहीं, उसी टाइम पे ही आपको फटाक से रीचेक कर लेना, यूँ क्या किया मैंने, स्टेप सारे स्टेप्स को फॉलो करो, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशली मैथमेटिक्स में। ओके बच्चों, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको ज़रूर चेकआउट करें, आपको फ़ायदा मिलेगा,
ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल।